नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवी कार महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। दोस्तों, स्कॉर्पियो ने अपनी नई कार स्कॉर्पियो S11 मार्केट में लॉन्च की है, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रही है। और दोस्तों, इस कार में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो S11 को नए शेप में आगे से डिजाइन किया गया है। आपको आगे की ग्रिल डी शेप में S11 में मिलने वाली है, जो कि इसको शानदार लुक बनाती है। और दोस्तों, अगर नीचे की फोग लैंप की बात करते हैं, तो फोग लैंप में आपको क्रोम मिलने वाला है, और साइड से ये कार आपको इस तरह से दिखाई देगी। और इसका ग्रिल जो डी शेप में है, वो बहुत ही गजब गाड़ी का लुक दे रहा है। दोस्तों, अगर पीछे की साइड में बात करें, तो S10 में पीछे आपको प्लास्टिक थी, जो कि अब आपको S11 में मेटल की मिलने वाली है पीछे। और साइड में अगर बात करें, तो इसमें मिरर में आपको साइड इंडिकेटर दिया गया है, जो कि S10 में नहीं था। दोस्तों, अगर बात करें स्कॉर्पियो S11 के मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो इसमें 6 मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिया गया है, प्लस एक जीरो गियर्स आपको इसमें मिलने वाला है। और स्कॉर्पियो S10 में 5 मैनुअल ट्रांसमिशन ही था। दोस्तों, अगर अलॉय व्हील की बात करते हैं, तो स्कॉर्पियो S11 में बहुत ही खास तौर से ये अलॉय व्हील डिजाइन किए गए हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात करें पीछे के पार्किंग सेंसर की, तो आपको स्कॉर्पियो S11 में पीछे बैक कैमरा मिलने वाला है, जो कि S10 में पार्किंग सेंसर था। दोस्तों, और साथ ही आपको सीटों की बात करते हैं, तो इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। सीटों को लेदर की बना दी गई हैं, जो कि आपको काफ़ी कंफर्ट महसूस होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।